विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, हम लोग मना रहे हैं। इस बार के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपने प्राचार्य महोदय से और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सर से आग्रह करती हूँ कि वो आए और इनॉग्रल स्पीच के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो वेलकम सर, प्रिंसिपल सर, हमारी आवाज जा रही है? हाँ वेलकम टू ऑल द पार्ट। ठीक है सर। हाँ, आवाज आ हाँ रही है? हाँ ओके, हाँ सर, आ रही है, मेरी आप आवाज आ रही बोलिए। है ना? ओके, वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले मैं इस वेबिनार के आयोजन के लिए डॉक्टर किरण बारा एंड डॉक्टर अर्चना दोनों को बधाई देता हूँ कि उन लोगों के प्रयास से आज ये वेबिनार का आयोजन जीएनए कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। टॉपिक भी काफी अच्छा है। आवाज समय के अनुसार आज के समय की कुछ मांग है, जो जरूरत है। आज मेंटल हेल्थ डे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में चर्चा तो हमेशा होती है, लेकिन हम लोग इस पर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है और जागरूक नहीं होते। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, सर में दर्द होता है, पैर में चोट लग जाती है, फीवर हो जाता है, हम लोग डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ से दवा ले लेते हैं, या नहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मेडिसिन शॉप पर ही जाके दवा ले लेते हैं, अपनी जानकारी से दवा ले लेते हैं और दवा ले खा लेते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन आपके पास अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आप इस बात की चर्चा करने में या आपके परिवार वाले इसकी चर्चा करने में हिचकते हैं। एक समाज में ऐसा टैबू बना हुआ है, एक ऐसा मिसकंसेप्शन हम लोगों के समाज में बना हुआ है कि लोग अपनी मानसिक परेशानी के वो शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बहुत सारी वजह है। एक तो सबसे बात मेंटल, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? अगर मैं कहूँ मेंटल हेल्थ है क्या, तो जहां तक मैं समझता हूँ, आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन मेरी समझ में मेंटल हेल्थ है कि आप अपने बारे में, अपने अगर आप यू हैव इट्स गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, आपके विचार पॉजिटिव हैं सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, सराउंडिंग्स के प्रति, इफ यू हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग एंड यू हैव सम गुड कंट्रीब्यूशन, यूजफुल कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली एंड फॉर द मैनकाइंड, यू आर हैविंग ए गुड मेंटल हेल्थ। आखिर इसमें समस्या कहाँ आ जाती है? सबसे बड़ी बात होती है कि समूह में समस्या जो आ जाती है मेंटल हेल्थ के को लेकर, इसके अगर इसको ग्रासरूट से देखा जाए, आज ये समस्या काफी बढ़ गई है। पुराने समय की बात करें और आज की तुलना करें, तो आज परिवार में, ऐसे कहें तो समाज में, हर 5 में एक आदमी जो है वो सफर कर रहा है सब मेंटल प्रॉब्लम से। बहुत सारे कारण इसके पूरी समझ में जो आता है, एक तो यूनिट फैमिली हो गया है, मदर फादर दोनों बिजी हो गए हैं, बोथ आर वर्किंग, उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो बच्चों को ध्यान दे पाए, वो बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाए। नतीजा क्या होता है, बच्चे में एक डिल्यूजन, डिल्यूजनमेंट की समस्या आते जा रही है। बच्चा अपने दोस्तों के बीच में और अपने उम्र के बच्चों के बीच में ही अपने समस्याओं का निदान खोज लेता है, और एक ऐसे वर्ल्ड में चला जाता है जो कि दैट इज नॉट नेचुरल। अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं अपने दोस्तों के माध्यम से, एंड दैट लीड देम टू सम एबनॉर्मल वर्ल्ड सिचुएशन, एक दूसरे वर्ल्ड में बच्चे चले जाते हैं।
और वही बच्चा जो आगे चल के ग्रेजुअली क्या होता है, वो एक मानसिक समस्या, मानसिक तौर पे उनके लिए एक समस्या बनती जाती है। एक छोटी सी कहानी मैं पढ़ा था, एक बच्चा, छोटा बच्चा है, अपने पापा को बोलता है, पापा आप 10 मिनट में कितना आप कमाते हैं? उसके पापा ने कहा 500 रुपया कमाता हूँ। उस बच्चे ने अपना गुल्लक ला के पापा के सामने फोड़ा और उसमें से 500 रुपया निकाला और उसने अपने पापा को दिया, पापा ये 500 रुपया लीजिए और मुझे 10 मिनट अपना समय दीजिए। इसको कहता है हमारे सोसाइटी के, हमारे फैमिली में जो बिखराव होता जा रहा है, एक इमोशनल बॉन्डिंग, लव बॉन्डिंग जो फैमिली का है, वो ग्रेजुअली वो टूटता जा रहा है और जिसके कारण बच्चे में तरह तरह की मानसिक समस्याएं घर करती जा रही है और बच्चे जो हैं वो समाज के प्रति उनका उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं रह पा रहा है। एक वजह इसको कहेंगे, दूसरी वजह कहेंगे आज हर परिवार में एक या दो बच्चा रहता है। बच्चों का परवरिश, बच्चों की परवरिश, लालन पालन कितना पैम्पर्ड हो गया है कि बच्चे रियल वर्ल्ड से दूर हो गए। समाज में कितनी तरह की कठिनाइयां हैं, जब वो व्यवहारिक जीवन में बच्चे आते हैं तो उनको कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इससे वो अनजान रहते हैं। भाई बच्चा जब बड़ा होकर इस समाज में जॉब करने लगता है तो उसको जब सोसाइटी में डिफरेंट लोगों से जब उसको इंटरेक्शन होता है तो समाज में जो परेशानियां होती है उस परेशानियां को वो झेलने में अपने आप को असमर्थ पाता है और बच्चे जो है वो गलत राह पकड़ लेते हैं और बच्चे जो है वो इस को फेस नहीं कर पाते हैं, वो इससे दूर होना चाहते हैं और नतीजा क्या होता है, बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन एंड अदर एडिक्शंस, उसमें उलझ जाते हैं और इस जो वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकता से वो दूर भागने लगते हैं। ये हुआ कि सोशल सेटअप जो है, मेरी समझ से वो सोशल सेटअप में ये समस्याएं होती जा रही हैं। बहुत सारे मिशन स्कूल्स वगैरह इस दिशा में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। स्कूल वगैरह में काउंसलर के अपॉइंट होते हैं, सोसाइटी में भी, फॉरेन कंट्रीज वगैरह में सोसाइटी में भी काउंसलर रहते हैं जहां बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। सोसाइटी में भी लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। हम लोगों के यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग के कंट्री में इसको अभी भी उतनी तरजीह नहीं दिया जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि मानसिक समस्याओं से बच्चों को और लोगों को जूझना पड़ रहा है और तरह तरह के डिल्यूजन हो गया या अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दैट हेलुसिनेशन हो गया, पैरोनिया हो गया, साइकिस मैनिक साइकोसिस हो गया, डिफरेंट साइजोफ्रेनिया हो गया, ये सबसे लोग आज जूझते जा रहे हैं। आज हम मैक्सिमम लोग, जो यंग जेनरेशन की बात करूं, यंग जेनरेशन के सामने इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में लोग चले गए हैं। यंग जेनरेशन आज वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है, समाज में उनका सकारात्मक कंट्रीब्यूशन नगण्य होता जा रहा है। इसके प्रति समाज को, सरकार को, सभी का दायित्व बनता है कि इस नए यंग जेनरेशन को कैसे एक पॉजिटिव वे दिखाया जाए, कैसे उन बच्चों को एक सही दिशा दिया जाए, उनके मेंटल लेवल को, मेंटल स्टेट को इस लायक बनाया जाए कि उनका भी समाज के उत्थान में, समाज के बढ़ाने में उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका, वो अब भी एक समाज में अपना एक महत्वपूर्ण अंग अपने आप को समझे, ये सबसे बड़ी आवश्यकता आज के समय में है।
इस वेबिनार की सफलता मैं तभी समझता हूँ, तभी है जब हमारे वक्ता लोगों को या समाज को इस धारणा को और इस समस्या को दूर करने में अपनी हद तक जो कारगर उपाय बता सकते हैं जिससे समाज सरकार लाभान्वित हो, तब ये वेबिनार की एक सफलता होगी। अब बहुत सारी बात हो सकती है, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, एक छोटा सा प्रयास, जैसे अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, एक योगा क्लासेस, डीप ब्रीदिंग क्लासेस, एक्सरसाइज, रिलैक्स, मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ये सारी बात चीजों की का प्रयास या कोर्सेस क्लासेस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी होने चाहिए, ताकि बच्चों में जो समस्याएं आ रही हैं, बच्चे अपनी समस्याओं से निदान पा सकें और उन बच्चों में वो अपने आप को भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माने, तभी हमारी आपकी इसमें सफलता है। होता क्या, धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरू के फेज में जब ये प्रॉब्लम्स डेवलप करता है तो पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम डेवलप कर रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हम लोग बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया है। केमिकल लोचा क्या है, एक्चुअली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह है, सेरोटोनिन, डोपामिन्स, एसिटाइलकोलिनेज, कैटेकोलामिन्स, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस सिक्रीशन, दैट इज वन ऑफ द कॉज फॉर मेंटल सफरिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक साइजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन, साइकोसिस, पैरोनिया। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा घर में ताला बंद करके गया, कुछ दूर जाने के बाद वो लौट के आता है, ताला को हिला के देखता है बंद किया कि मैंने किया, तो क्या है, दैट योर सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं वो एक्स्ट्रा केयरफुल है, हम लोग कहते हैं कि नहीं वो एक्स्ट्रा केयरफुल है, वो एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे की अगर वजह देखा जाए तो इनसिक्योरिटी, उनके लाइफ में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी रहा या बचपन में कभी इस तरह के फेस से बच्चे ने गुजरा हो, एक ऐसा हादसे से गुजरा हो जिसकी एक छाप उसके दिमाग पे दिल पे बैठी हुई है, अब वो उससे अलग नहीं हो पा रहा है। इसी मेंटल प्रॉब्लम्स को से समाज को अलग करने के लिए, समाज को एक सही रास्ता दिखाने के लिए जरूरी है कि हर इंस्टीट्यूशन में काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो काउंसलर जो है जहाँ बच्चे का फ्री एसेस हो, उसके पेरेंट्स का फ्री एसेस हो, काउंसलर बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी बुला के उनको काउंसलिंग करें, उनको काउंसलिंग करके उनको बतलाएं कि बच्चे में क्यों समस्या आ रही है, कैसे आप अपने बच्चे को में जो समस्या आ रही है उसका निदान कर सकते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होगा। बस मैं इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं आज बक्का जो भी है मैं कुछ देर तक तो रहूंगा आप लोग के साथ, मुझे जाना है दूसरी जगह कुछ काम में, आपके प्रोग्राम की सफलता के लिए कामना करता हूँ, धन्यवाद। किरण बाला फॉर हर प्रेजेंटेशन। मैम हैज डन हर पीएचडी फ्रॉम सीआईटी कांके रांची, शी वाज आल्सो फॉर्मर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एट आईजीआईएमएस, शी इज करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन जेएनएल कॉलेज। वेलकम मैम। थैंक यू पूजा, थैंक यू सर, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा बोले, सर की पकड़ काफी अच्छी है साइकोलॉजी पे, काफी सारे बीमारी के भी नाम जान रहे हैं सर, तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। अब मेरी बारी है,
बताने की जो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम लोग मना रहे हैं उसका जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों को जागरूक करना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति। लोग ज्यादा से ज्यादा जाने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, ये मेन उद्देश्य रहता है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, सभी जागरूक हैं। हम लोग को जब सर दर्द होता है तो हम लोग को पता है कि किस डॉक्टर से मिलना है। आँख की कोई परेशानी होती है तो हम लोग को पता है किस डॉक्टर से मिलना है। पेट में दर्द होता है तो हम लोग को पता है कि किस डॉक्टर से मिलना है। लेकिन जब मानसिक बीमारी की बात होती है, कुछ मानसिक परेशानी होती है, तो हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है कि हम लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। और अगर पता भी चल जाता है कि कुछ गड़बड़ी है, हमें नींद नहीं आ रही है, हम अपने काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, शरीर थका थका लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मन में काफी नकारात्मक सोच आते रहते हैं, और मेरा समय जो है, अधिकतर समय जो है वो हाथ धोने में, सफाई करने में, ये सब में चला जाता है, और हम घर के कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो कुछ तो परेशानी है और हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन इतना सोचने के बाद भी हम लोग डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं हम लोग को, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि हम लोग को किस तरह के डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर पता भी चल जाता है कि मुझे मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना है इस तरह की परेशानी के लिए, तो भी हम लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना नहीं चाहते हैं, मिलने से हिचकते हैं और मिलने जाते भी नहीं हैं। धीरे धीरे ये परेशानी अपने ठीक हो जाएगी, जाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की परेशानी खत्म तो नहीं होती है और धीरे धीरे बढ़ ही जाती है, और बढ़ते बढ़ते फिर वो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, पूरे परिवार उससे परेशान हो जाते हैं, और फिर हॉस्पिटलाइज की बारी आती है और फिर हॉस्पिटलाइज होते हैं और ठीक होकर फिर घर आ जाते हैं। अगर ये परेशानी हम लोग पहले ही ठीक कर लें, डॉक्टर से जाके मिल लें मानसिक रोग विशेषज्ञ से, तो ये नौबत आएगी ही नहीं और हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, परिवार भी नॉर्मल रहेंगे, जो मरीज है वो भी ठीक रहेंगे और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो जागरूकता की कमी के कारण ये सब परेशानियां हम लोगों को ज्यादा झेलने को झेलते हैं हम लोग। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो जानकारी रहती है हम लोगों को, लेकिन हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है अभी, और ये जागरूकता ही हमारा मेन उद्देश्य है जो आज हम लोग ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, और अभी हम लोगों के बीच एक कोरोना की महामारी, सबसे बड़ी महामारी आई हुई है, और इस कोरोना की महामारी के कारण काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। 10 महीने होने को जा रहे हैं और अभी ये बीमारी थोड़ा भी कम नहीं हो रही है और बढ़ते 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 ही जा रही है। तो काफी परेशान हैं लोग, और हम लोगों ने अपने जीवन शैली में काफी बदलाव लाया है इस कोरोना महामारी के कारण। हम लोगों ने अपने खाने पीने में भी काफी चेंजेस लाया है, जैसे हम लोग अब हल्दी का दूध पीते हैं और काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, धूप का सेवन करते हैं, जो हम लोग ये सब पहले नहीं करते थे। पहनने में भी अब हम लोग मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हेड कैप लगाते हैं तब कहीं बाहर जाते हैं, और बाहर भी अब हम लोग ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। पहले जब हम लोग कोरोना की महामारी नहीं थी तो हम लोग निकलते थे बाहर और आराम से सबसे मिल करके बहुत खुश होते थे। अभी हम लोग किसी परिचित से मिलते भी हैं तो मिलने से कतराते हैं, और मिलते भी हैं तो मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मिलते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बात खत्म हो जाए और हम लोग यहाँ से हट जाएं। घर में भी जैसे अगर कोई कॉल बेल बजाता है, कोई मिलने के लिए हम लोगों से आता है, तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कौन आया कौन आया, और फिर मास्क सबसे पहले खोज के निकालते हैं और जाके गेट खोलते हैं, और उसके बाद गेट खोलने के बाद हम लोग उनको ग्रीट करके बैठाते हैं और फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही बात करते हैं, चाहे कितने भी क्लोज रिलेटिव्स हो। उसके बाद जब बात खत्म करके हम लोग चाहते हैं जितने से जितने जल्दी वो चले जाएं, और फिर वो जब चले जाते हैं तो फिर हम लोग घर को सैनिटाइज भी करते हैं।
इतने सारे काम, इतने सारी मानसिक परेशानियां हम लोगों को ये कोरोना की महामारी के कारण हो गई है, और ये जो स्ट्रेस है, ये जो परेशानी है, यही सबसे बड़ा कारण होता है मानसिक बीमारी लाने के लिए। और अभी कोरोना की महामारी के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे सबसे बुरा प्रभाव इस बीमारी का पड़ा है, और हमारे इस मानसिक बीमारी से हमारे यहाँ सभी बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं जो घर से बाहर काम करने जाते हैं, महिलाएं और पुरुष सभी इस मानसिक बीमारी से, मानसिक स्वास्थ्य उनका सभी का खराब है, कुछ ना कुछ परेशानी आई हुई है। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बताऊंगी कि ये मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य, जब एक आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो अपने क्षमताओं को पहचानता है, वो अपने तनाव, जो दैनिक जीवन के तनाव हैं, उसको उससे वो लड़ सकता है, अपने तनाव को कम कर सकता है, वो अपने लिए और अपने समाज के लिए वो लाभदायक होता है, और अपने समाज के अच्छाई के लिए वो योगदान करता है। अगर किसी आदमी का मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा तो वो अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाएगा कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और अपनी अपने तनाव को वो कम नहीं कर सकता है, वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए लाभदायक नहीं होगा, और अपने समाज के लिए वो अच्छे से योगदान नहीं कर पाएगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी। तो हम लोग को मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें और उसको नॉर्मल बनाए रखें। दूसरा जो बात है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है शारीरिक बीमारी। अगर हमारे पास कोई बड़ी शारीरिक बीमारी होती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, या फिर अभी कोरोना की महामारी है तो कोरोना की महामारी से हम लोग सब लोग डरे हुए हैं, या किसी को कोरोना की महामारी भी हो जाती है तो उससे क्या होता है, अगर कोई भी बड़ी शारीरिक बीमारी होती है तो हमारा हमारे विचार में जो है नकारात्मक सोच बहुत ज्यादा तेजी से आते हैं, और हम लोग थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं कि ये कौन सी बीमारी आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे ठीक होंगे, इतना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इतना पैसे की खर्च हो पैसे भी खर्च होते हैं और समय भी बर्बाद होता है, तो ये सब परेशानियाँ आती हैं। तो शारीरिक बीमारी एक तो सबसे बड़ा फैक्टर्स है जिससे मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरा जो फैक्टर्स है वो है मादक द्रव्य का सेवन करना, जैसे शराब, भांग, गांजा, हेरोइन, कोकीन, LSD, ये सारी जो मादक द्रव्य का सेवन है, अगर वो कोई आदमी ज्यादा करता है तो उसको मानसिक बीमारी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। दूसरा है जीवन में कोई दुर्घटना होना, या किसी का डेथ हो गया हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, किसी तरह की दुर्घटना अगर होती है तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को काफी बुरे तरीके से प्रभावित करती है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे परिवार में कोई पहले से फैमिली हिस्ट्री है, हेरेडिटरी जीन में है ये बीमारी, मानसिक बीमारी, अगर किसी को हमारे दादा दादी के तरफ या नाना नानी के तरफ, तो चांसेस है कि उस परिवार में बच्चे को भी होगा। तो फैमिली हिस्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर्स है जो जिससे मानसिक बीमारी का एक कारण होती है। और फिर है न्यूरो ट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी, जो अभी प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को बताया कि कई तरह के केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि जिससे कि गड़बड़ी होने से ज्यादा मात्रा में रिलीज हो, सेक्रेट हो, या फिर कम मात्रा में वो सेक्रेट हो, तो उससे भी मानसिक बीमारी आने का चांसेस रहता है। जैसे गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, जब उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है हमारे शरीर में उस न्यूरोट्रांसमीटर की, तो हम लोगों को एंजाइटी की बीमारी होती है, चिंता की बीमारी होती है। इसी तरह से एक सेरोटोनिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका अगर ज्यादा सेक्रेट हो, वो ज्यादा उसका लेवल हाई हो हमारे शरीर में, तो मैनिया नामक बीमारी होती है, और अगर कम उसका सेक्रेशन हो हमारे बॉडी में तो फिर वो डिप्रेशन का कारण बन सकती है। उसी तरह से एक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि अगर वो ज्यादा सेक्रेट हो तो फिर स्किजोफ्रेनिया नामक बीमारी होने का चांसेस रहता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पारिवारिक आय अगर किसी परिवार की कम है, तो गरीबी है उस परिवार में, तो वो लोग अधिकतर समय सोचते रहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है,
रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, तो इससे काफी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है उनका, और ये भी एक मानसिक बीमारी का एक कारण होती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे अगर कोई बच्चा है और उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, सामाजिक असमानता या भेदभाव किया जाता है, जैसे वो छोटी जाति का है या फिर वो काला है, या फिर वो लिंग के आधार पे अगर भेद किया जाए कि वो लड़की है इसलिए परिवार वाले ज्यादा प्यार नहीं करते, लड़का है तो बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, छोटी जाति के लोग हैं तो उसको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, बड़े जाति के लोग हैं तो उसको ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। उसी तरह से अगर काला है तो उसको फैमिली वाले ज्यादा प्यार नहीं करते, गोरा है तो फैमिली वाले बहुत ज्यादा बच्चे को प्यार करते हैं उस गोरे बच्चे को। तो इस तरह से अगर भेदभाव किया जाए तो चांसेस है कि जिसके साथ ये भेदभाव हो रहा है उसको उसकी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब होगी या मानसिक बीमारी आने का चांसेस रहेगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि सेल्फ पुअर सेल्फ स्टीम, अगर अपने आप को जो आदमी है वो कम आंकता है अपने आप को, अपना सेल्फ स्टीम को कम आंकता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम करने के लायक नहीं है, तो इस तरह का अगर मानसिक विचार अगर दिमाग में आते हैं, मेंटालिटी अगर इस तरह की है तो चांसेस है कि उनका मानसिक मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरा है कि पुअर सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब है होता है कि हम किसी से जब बात करने जाते हैं तो अगर हम हमको बात करने नहीं आ रहा है कि किस तरह से बात शुरू करना है, किस तरह से बात को खत्म करना है, लोगों से मिलने जुलने नहीं आ रहा है, उठने बैठने नहीं आ रहा है, हमको भीड़ भाड़ वाले इलाके में बोलने में परेशानी होती है, कुछ करने में परेशानी होती है, तो अगर इस तरह के पुअर स्किल अगर हैं तो भी चांसेस है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा और हमें सोशल फोबिया नामक कोई बीमारी, एक बीमारी है जो कि होने का चांसेस है। डिप्रेशन एंग्जाइटी वो कॉमन है, कोई भी परेशानी आती है तो डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन मानसिक बीमारी है जो कि आने का चांसेस रहता है। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक कारक हैं, कारण है कुछ कुछ जो कि जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसका पारिवारिक माहौल खराब है, जैसे मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर मम्मी नहीं है या पापा नहीं है, मम्मी या पापा का डेथ हो गया है, एक ही पेरेंट्स हैं, या फिर मम्मी पापा में डाइवोर्स हुआ हुआ है, घर का माहौल हमेशा लड़ाई झगड़ा वाला रहता है, तो इस तरह के माहौल में जो बच्चा पला बढ़ा रहता है उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का चांसेस होता है। या फिर घर में डिसिप्लिन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, या फिर कम कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, अगर इस तरह का भी परिवार में डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है तो भी मानसिक बीमारी आने का चांसेस रहता है। वैसे ही अगर कभी सर में चोट लग जाए एक्सीडेंट की वजह से या गिरने की वजह से, तो अगर कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया है तो उस ब्रेन से रिलेटेड जो परेशानी आएगी, मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, वो बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिससे मानसिक स्वास्थ्य हमारा खराब हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले है कि नकारात्मक सोच आना। जब भी कोई मानसिक रूप से बीमार आदमी बीमार होने वाला रहता है तो उसका एक लक्षण, बीमार होता है तो उसका एक लक्षण होता है नकारात्मक सोच ज्यादा आना, अपने आप को असहाय महसूस करना, हमेशा ये सोचना कि हम तो बेकार आदमी है, किसी काम के लायक नहीं है, हमारा भविष्य अंधकारमय है और हम जी के क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है मर जाए, हम किसी काम के लायक नहीं है, इस तरह से नकारात्मक सोच आता है और हेल्पलेस होपलेस वर्थलेस आदमी महसूस करता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। दूसरा है कि कान में कुछ आवाजें सुनाई देना, जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कहते हैं, उसी तरह से कुछ आवाजें सुनाई देना जो कि आवाजें जो है अपने आप में बात करती हैं या फिर मरीज से डायरेक्ट बात करती है, कुछ कहती है करने को, इस तरह की जब कान में आवाजें सुनाई देती है और दूसरे को नॉर्मल लोगों को नहीं सुनाई देती है, तो इस तरह का लक्षण भी मानसिक रोगी में देखा जाता है। दूसरा है कि दैनिक जीवन के जो काम हम पहले कर पाते थे आराम से वो अब नहीं कर पाते, जैसे हम बच्चे का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑफिस से काम नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम घर के खाना बनाना ये सब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दैनिक जीवन के काम करने में जब मुश्किलें आने लगती है तो इसका मतलब है हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है और ये एक लक्षण है मानसिक बीमारी का।
और हमारे परिवार, हमारे दोस्त सभी से हम लोग मिलना नहीं चाहते हैं। ये एक मानसिक लक्षण, मानसिक बीमारी का लक्षण है कि हम लोग लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, कट के रहना चाहते हैं, अपनी एक दुनिया हो जाती है। हंसना, मुस्कुराना, बुदबुदाना अपने में, ये एक लक्षण होता है। खाना या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या फिर खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। नींद भी या तो बहुत ज्यादा आती है या फिर नींद आने में परेशानी होती है, बीच बीच में नींद टूट जाती है, या सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, नींद की काफी परेशानी आने लगती है। जो काम पहले पसंद था वो काम अब पसंद नहीं आता, जैसे टीवी देखना, अच्छा अच्छा खाना बनाना, घूमना फिरना, ये सारा चीज अब अच्छा नहीं लगता। ये भी एक लक्षण है मानसिक बीमारी का। हमेशा थका थका रहना, शरीर में थकावट रहना या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाना, और मादक द्रव्य का ज्यादा सेवन करना, शराब, गांजा, भांग, ये सब का जब मानसिक बीमारी होती है तो ये सब ज्यादा आदमी उसकी तरफ ज्यादा झुक जाता है और शराब, गांजा, सिगरेट, ये सब ज्यादा पीने लगता है। कुछ गलत विश्वास हो जाना, जो सर ने भी बताया, फॉल्स बिलीफ बोलते हैं, डेल्यूजन्स बोलते हैं, बहुत सारे डेल्यूजन्स हो जाते हैं लोगों को, गलत विश्वास हो जाता है कि कोई हमको मारना चाह रहा है। लोग अपने में बातें करते रहते हैं तो उसको लगता है कि कोई सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को बहुत महान समझना कि मेरे में दुर्गा माँ की शक्ति है या हम प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के बड़े बड़े विचार मन में आने लगते हैं, और या तो फिर बहुत ज्यादा डर लगना, बहुत तरह की के लक्षण होते हैं। अर्चना मैम जब एक एक बीमारी को डील करेंगी, एक एक मानसिक बीमारी बताएंगी, तो उसके लक्षण भी साथ में बताएंगी। ये एक मोटा मोटी ओवरऑल ये थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद है कि इतने सारी परेशानियां होती हैं लोगों को अपने में, हंसना, मुस्कुराना, कुछ आवाजें सुनाई देना, इस तरह की नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, इस तरह की इतनी सारी परेशानियां हैं, फिर भी लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलने नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? तो बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण है स्टिग्मा, या हिंदी में कलंक कह सकते हैं इसको, कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसको सब लोग पागल पागल चिढ़ाने लगते हैं, बोलते ये पागल है, इससे मत बात करो, उसके फैमिली को भी सोशल बायकॉट किया जाता है, लोग उनके घर नहीं जाना चाहते, उठने बैठने नहीं बैठते नहीं है, उनको लगता है जैसे अगर वो उसके यहाँ जाएंगे तो उनको भी वो बीमारी हो जाएगी, इसलिए लोग उनका सोशल बायकॉट करते, तो इसलिए लोग जाना नहीं चाहते मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास। और जब अगर लोग जाते नहीं है तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे मानसिक बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो वैसे भी पता चल जाएगा लोगों को कि मानसिक बीमारी इनके यहाँ है, और फिर परेशानी होगी। इससे अच्छा है कि हम समय रहते ही मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिल लें, दवा खा लें, ताकि बीमारी खत्म हो जाए और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ परेशानी आया था, और फिर सोशल बायकॉट भी नहीं होगा और पागल पागल भी लोग नहीं चिढ़ाएंगे। तो ज्ञान की कमी के कारण भी लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से नहीं मिलने जाना चाहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मानसिक बीमारी है, इसका इलाज संभव है, और हम इलाज करा के दवा खा के, जैसे शारीरिक बीमारी होती है हम दवा खाते हैं ठीक हो जाते हैं, वैसे मानसिक बीमारी भी है कि हम दवा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये ज्ञान की कमी के कारण, अभाव के कारण लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से नहीं मिल पाते हैं। तीसरा है सपोर्ट सिस्टम की कमी। परिवार में बहुत लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं कि बीमार है तो चलो छोड़ दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, झाड़ फूक करा के छोड़ देते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम की भी काफी कमी है यहाँ पे, इसलिए भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से लोग मिलते नहीं है। दूसरा है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की काफी कमी है, जैसे पैसे की कमी, गरीबी है यहाँ तो पैसे की कमी है। गांव में जो लोग रह रहे, पटना में या बड़े शहर में जो रहते हैं उनके पास तो यातायात का सुविधा है, लेकिन जो गाँव में रहते हैं उनको काफी परेशानी होती है शहर में आने में, यहाँ पे डॉक्टर को खोजने में और उनसे मिलने में। आदमी का भी कमी होता है घर में, पैसे की कमी होती है घर में, तो ये सब रिसोर्सेज की कमी के कारण भी लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से नहीं मिल पाते हैं। और हमारे यहाँ मानसिक रोग विशेषज्ञ की भी काफी कमी है, जिसके कारण भी हम लोग नहीं मिल पाते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ से। जैसे आप रोड पे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो जो है वो आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन जो है वो आपको थोड़े थोड़े दूर पे आपके गली मोहल्ले में भी आपको दिख जाएंगे डॉक्टर, लेकिन आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ काफी कम दिखेंगे, उनका बोर्ड काफी कम दिखेगा रोड पे। तो अवेलेबिलिटी काफी कमी है डॉक्टर की, मानसिक रोग विशेषज्ञ की, जिसके कारण भी हम लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से नहीं मिल पाते हैं, नहीं परामर्श ले पाते हैं। तो
मानसिक रोग, मानसिक स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो हमें मानसिक बीमारी हो जाती है, और इलाज इसका संभव है। इलाज जो है वो दो तरीके से होता है, एक फार्माकोलॉजिकल तरीका है और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है ट्रीटमेंट का, इलाज का तरीका है। फार्माकोलॉजिकल में दवा दिया जाता है मरीज को, और जो डॉक्टर होते हैं वो MBBS डॉक्टर होते हैं और 2 साल का डिप्लोमा लिए रहते हैं साइकोलॉजिकल मेडिसिन में, DPM कहलाते हैं। 2 साल का DPM का डिग्री होता है उनके पास, और हर एक बीमारी का इलाज है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा बीमारी है तो इसका इलाज है और ये बड़ा मानसिक बीमारी है तो इसका इलाज नहीं है। सभी बीमारी का इलाज है और सब बीमारी के लिए दवा है। बस जरूरत है हम लोगों को डॉक्टर से मिलने की और उनके पास जाने की। दूसरा जो तरीका है वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी देके इलाज करती हैं, थेरेपी देके ट्रीटमेंट करती हैं। साइकोथेरेपी का मतलब होता है एक तरह का काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होता है वो छोटा रूप होता है और जो थेरेपी होता है वो काउंसलिंग का बड़ा रूप होता है। तो साइकोथेरेपी में हम लोग बातचीत करके परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले जब कोई मरीज साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो साइकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करती हैं और पता लगाती हैं कि इनके पास क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या बीमारियां हैं। तो जब उनको पता चल जाता है कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, साथ में थोड़ा ये भी लग रहा है, तो सबको, सबके लिए वो थेरेपी प्लान करती हैं और सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बुलाती हैं, और इस तरह से थेरेपी से उनको काफी फायदा होता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल तक के मानसिक बीमारी के लिए तो आराम से हम लोग साइकोथेरेपी करा के ठीक हो सकते हैं, दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती है कि नहीं, थोड़ा लगता है प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गया है, आपको थोड़ा दवा लेने की भी जरूरत है, तो आप बेझिझक आप दवा ले सकते हैं, और दवा और प्लस थेरेपी दोनों अगर काम करें, लें, तो जल्दी मानसिक बीमारी ठीक होती है। इसके साथ ही हम लोग घर पे भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैनेजमेंट अपना खुद से कर सकते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि हमेशा सकारात्मक सोचें और निगेटिव कभी नहीं सोचें। कोरोना की बीमारी में हम लोग काफी ज्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कोरोना की महामारी के समय भी हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं कि कोरोना की महामारी अब बहुत ज्यादा दिन, 10 महीने तो हो ही गए हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अब वैक्सीन आएगा और ये बीमारी खत्म हो जाएगी और अब हम लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो ऐसा हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और प्राणायाम, योगा, ये सब करना चाहिए। और आयुष का जो गाइडलाइंस है, काढ़ा पीने का और हल्दी वाला दूध पीने का, गर्म पानी से गार्गल करना है या फिर भाप लेना है, वेपर लेना है, ये सब हम लोग फॉलो कर सकते हैं। डाइट अच्छा रखें घर में और पौष्टिक आहार लें, प्रोटीन युक्त, विटामिन डी लें सनलाइट से, या फिर मेडिसिन ले सकते हैं मल्टीविटामिन, या फिर हम लोग नींद पूरा लेना चाहिए। नींद में कमी आती है तो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए प्रॉपर नींद 6 से 8 घंटे का जो एक रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन का वो लेना चाहिए। और उसके साथ ही लोगों की मदद करनी चाहिए, उससे भी हम लोगों को खुशी मिलती है। लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए फोन पे, अभी तो हम लोग मिलना जुलना नहीं करते हैं फिजिकली, तो हम लोग फोन पे बात करते रहे परिवार वालों से, और ये सब चीजें हम लोग घर पे कर सकते हैं और हम लोग खुश रहें, और बस इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू। Thank you, Kiran ma'am, for your wonderful speech. Now I invite Ms. Archana Bharti. She has done her MPhil from CIP Kanke. She is a clinical psychologist and is currently working as an assistant professor at JNL College. Welcome, ma'am. Hello. Thank you, Gayatri. Good afternoon, all of you. First of all, सबसे पहले मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने हमें यह डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को यह मौका दिया कि हम लोग
कुछ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे एक प्रोग्राम करें। थैंक यू वंस अगेन सर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो आज हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, इसके बारे में एक थीम दिया जाता है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो इस बार का थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। तो हम अभी किरण मैडम ने हम लोगों को बताया कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है या किस तरीके से प्रभावित होता है और इसके लक्षण क्या हैं जब प्रभावित हो जाते हैं। तो जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो हम कैसे जानेंगे और हम मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं, और जब खराब हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, तो हम किस प्रकार के डॉक्टर से मिले। आँख के लिए हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलते हैं, और कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो जब हमें मानसिक बीमारी होगी तो हम किस प्रकार के डॉक्टर से मिलेंगे। अभी हम जानेंगे कि कॉमन मेंटल इलनेस क्या क्या है, किस तरह की मानसिक बीमारियां जो हैं कॉमन मुख्यतः हमारे पॉपुलेशन में देखी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो मानसिक बीमारी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, आए दिन सुनते रहते हैं कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मन मिजाज उदास हो जाता है और वह उसमें निराशा की भावना आ जाती है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका जो इंटरेस्ट होता है अपने दैनिक कार्यक्रमों में, जो भी टीवी देखने में या जो भी कार्य में इंटरेस्ट रहता है पहले उसका, वो सब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। उसे किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता और उसे अकेला रहना पसंद करता है। कभी कभी रोना आ जाता है, अपने आप को बेकार महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि वह किसी काम करने के लायक ही नहीं है, और नकारात्मक विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं। उसे लगता है कि जिंदगी तो बेकार है, इसे तो अच्छा मर ही जाए, और आत्महत्या के भी विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। व्यक्ति में भूख की कमी हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति खुद रिपोर्ट करता है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है और ही नीड्स हेल्प, उसे खुद इंसाइट आता है। लेकिन अन्य बीमारियों में ऐसा नहीं होता है। अन्य बीमारियों में लगता है कि कुछ गड़बड़ है ही नहीं, या है तो वो क्या हेल्प लेगा, वो उतना नहीं पता चल पाता है। और डिप्रेशन से जस्ट अपोजिट एक बीमारी होती है जिसका नाम है मैनिया। मैनिया में लोगों के का मन मिजाज जो है उदास रहता है बिना किसी कारण के, और उनमें जो गुस्सा की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाती है, अगर उनकी बातों को ना माना जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। व्यक्ति जो है पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने लगता है और उसका मन जो है घूमने फिरने का ज्यादा करता है। अनजाने व्यक्ति बातचीत जो है उसका बढ़ जाता है, अनजाने व्यक्तियों से भी वो इस तरीके से मिलता है जैसे उसकी गहरी जान पहचान हो और उसकी गहरी दोस्ती हो। और घंटों वो जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो दूसरे से बातचीत करने में, मोबाइल से बात करने में, घूमने फिरने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनकी भूख बहुत बढ़ जाती है, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है। ऐसे ये नॉर्मल है, अच्छा खाना किसे नहीं खाने का मन करता, लेकिन जो बीमारी वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा खाना खाने का मन करता है, और क्वांटिटी जो खाने की होती है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, भूख ज्यादा उन्हें लगती है, एनर्जी लेवल जो होता है, शक्ति जो उनके शरीर में होता है वो ज्यादा हो जाता है, दूसरे की बात नहीं मानते हैं वो, पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, वो अकेले गाना भी गाने लगते हैं, धार्मिक गाना हो या फिल्मी गाना हो, सब तरह का गाना ज्यादा अच्छा लगने लगता है, और अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर के बारे में। एंग्जायटी तो हर एक लोगों को होती है, थोड़ी बहुत चिंता सभी को होती है, लेकिन जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर के व्यक्ति जो होते हैं उन्हें ज्यादा चिंता होती है। उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चिंता हावी रहती है, किसी न किसी कारणवश वह चिंतित रहते हैं। उन्हें आप अगर जानेंगे अच्छी तरह से तो आपको लगेगा कि वह कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं चिंतित होने के लिए। जैसे अगर एक माँ को है तो उनका बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वह परेशान होंगी, चिंतित होंगी, क्या वो स्कूल पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, कहीं रास्ते में उसके साथ कुछ दुर्घटना तो ना हो जाएगी, कोई उसे अगवा तो ना कर लेगा, या
अगर बारिश हो रही है तो कहीं कहीं बारिश में गीला ना हो जाए, और गीला होगा तो फिर उसको सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, तो उसका फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। और बच्चा अगर खेल रहा है प्ले ग्राउंड में तो उसके माँ के दिमाग में आ सकता है, जो बीमारी से पीड़ित हैं, कि बच्चे को दूसरा बच्चा धक्का ना दे दे, वो गिर ना जाए और वो दूसरे बच्चे से पिटाई ना खा ले, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। ये बहुत ज्यादा, ये थोड़ी बहुत चिंता, ऐसी चिंता हर एक माँ को होती है अपने बच्चों को लेके, लेकिन यह जब ज्यादा होने लगती है तो यह एक बीमारी का रूप ले लेता है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जब बच्चा घर आएगा तो माँ का एक एंजाइटी खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा एंजाइटी आ जाएगा, फिर वो कुछ एक एंजाइटी उनके दिमाग में आ जाएगा, और यह जो है सिलसिला एंजाइटी का आते ही रहता है। और इसके साथ ही कुछ शारीरिक लक्षण भी आते हैं, वो है दिल का धड़कन बढ़ जाना, परेशानी होना, बेचैनी होना, सांस फूलना, जो कि चिंता के लक्षण हैं। और एक आम बीमारी जो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो धोना पोछना में हाथ बार बार धोते हैं, घर की साफ सफाई में नॉर्मल से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और अधिकतर समय उनका इसी में जाता है। तो उनमें भी एक बीमारी, वो भी एक बीमारी ही है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। किसी विचार का बार बार मन में आना ऑब्सेशन है। व्यक्ति न चाहते हुए भी, उसके विचार हैं, न चाहते हुए भी उसके मन में आते हैं, और जब ये विचार आते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, और उस विचार को कम करने के लिए वह कोई काम करता है जिसे कंपल्सन कहते हैं। ये क्रिया जो है वो कभी रिचुअल रिचुअल वे में करता है, जैसे गिन करके करना। हर एक काम जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के व्यक्ति होते हैं वो एक खास तरीके से करते हैं। जैसे अगर कोई उनके घर में आया तो गंदगी का विचार अगर आता है तो वो 5 बार हाथ धोएंगे, या 10 बार हाथ धोएंगे, या बार बार हाथ धोएंगे, एक तरीके से हाथ धोएंगे। पहले एक उंगली साफ किया, उसके बाद फिर दूसरी उंगली में साबुन लगाया, या पहले लेफ्ट पाम, डोर्सल पार्ट ऑफ पाम जो है उसमें लगाया, उसके बाद पाम में लगाया। तो इस तरीके से उनमें बहुत ज्यादा ही साफ सफाई को लेके ये जो थॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा आते हैं, उसको लेके वो कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, घर की साफ सफाई करने में लगे रहते हैं। और उनके दिमाग में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के व्यक्ति के दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं। वो डाउट्स जो है उनके दिनचर्या के लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जैसे गैस उन्होंने बंद किया कि नहीं किया। ये नॉर्मल डाउट्स हैं जो हम सभी को आते हैं, लेकिन हम लोग एक दो बार देखने के बाद हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ हमने बंद कर दिया है। लेकिन जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं वो एक दो बार से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो बार बार जाके देखते हैं, बेड पे चले गए फिर भी उनके दिमाग में है कि मैंने कहीं ऑन तो नहीं कर दिया है, फिर वो दूसरे को भेजेंगे या खुद जाके देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे सोमेटाइजेशन के बारे में। सोमेटाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कारण तो मानसिक होता है, मानसिक परेशानियां इसका कारण होती हैं, लेकिन इसका उद्गार, इसका प्रकट जो है शारीरिक लक्षणों के रूप में होता है। मानसिक दबाव, मानसिक मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनिफेस्ट करता है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के रूप में, जिसमें व्यक्ति की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर दर्द होता है, सर दर्द, पसीना आना, पैर में दर्द, ये सब कुछ कुछ जो छोटे छोटे चीजें हैं वो सब होती हैं। और व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका कोई कारण नहीं पता चलता है। जो भी डॉक्टर्स लैब में टेस्टिंग करवाते हैं वो लैब रिपोर्ट उनके प्रेजेंट प्रॉब्लम को मेल नहीं खाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं व्यक्ति का। और व्यक्ति एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसे लगता है कि वो जो करेंटली जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है वो इफिशियंट नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे अच्छे नामी डॉक्टर के पास जाता है। तो फिजिशियन के ही कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके पास जानकारी का अभाव है कि ये जो प्रॉब्लम है वो उनका फिजिकल नेचर का नहीं है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम उनमें आ रहा है। और साइकोलॉजिकल थेरापिस्ट, साइकोथेरापी से उन्हें फायदा होता है। पेन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर में व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है, शरीर के एक
से अधिक पार्ट में भी ये दर्द हो सकता है, जैसा कि कोई भी डॉक्टर को जब कंसल्ट करते हैं तो कोई फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं मिलता है। इसका भी कारण साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही होता है, पेन डिसऑर्डर का भी। और ये पेन जो होता है वो इतना ज्यादा असहनीय होता है कि उससे व्यक्ति की डे टू डे लाइफ जो है, एक्टिविटीज जो है, डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति को लगता है कि वो अमुक बीमारी से पीड़ित है, वो बीमारी का नाम भी लेता है और वो बीमारी के लक्षणों को भी महसूस करता है। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, बड़े बड़े बीमारी का नाम लेते हैं, जैसे मुझे टीबी हो गया, मुझे जॉन्डिस हो गया, मुझे एड्स हो गया, या मुझे कोरोना के सिम्टम्स, मुझे कोरोना हो गया, उन्हें सिम्टम्स भी आने लगते हैं, वो सिम्टम्स भी महसूस करते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो भी लैब रिपोर्ट आता है, टेस्टिंग जो भी होता है, वो सब नॉर्मल आते हैं उनकी रिपोर्ट। इसका भी आधार जो है मनोवैज्ञानिक प्रेशर ही है, मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही हाइपोकॉन्ड्रियासिस का भी कारण है। डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी व्यक्ति के शरीर में, इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे आवाज बंद हो जाना, आवाज ना निकलना, या चलने में कठिनाई होना, गले में कुछ अटका हुआ है ऐसा महसूस होना, निगलने में दिक्कत होना, या बहरापन, गूंगा गूंगापन, बोल नहीं पा रहे हैं, या दिखाई नहीं देना, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, ये सब जो है शारीरिक में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कारण जो है साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल नेचर का होता है। तो व्यक्ति जब इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और जब न्यूरोलॉजिस्ट उनका चेकअप कराते हैं तो उनका कोई भी फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं आता है प्रॉब्लम का। तो लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर इफिशियंट नहीं है, हम गलत डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर इसी तरीके से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसे डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं दर्दनाक होती हैं, बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं होती हैं जैसे सुनामी, बाढ़, तो ऐसे समय में, या युद्ध की स्थिति, या युद्ध को उन्होंने अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया हो वहाँ पे, जैसे सोल्जर्स सभी हैं, वो लोग युद्ध देखते हैं, करते हैं, तो वैसे लोगों को कुछ ये सारी घटनाएं जो हैं बहुत दिनों तक परेशान करती हैं, स्वप्न में आती हैं, उनके सामने में तैरती हैं, मतलब वो देखते हैं, जहन में हमेशा बनी रहती है वो सब घटनाओं का सीन। घटनाओं के गुजर जाने के बाद भी जब उन घटनाओं का सीन आता है दिमाग में, तो इसको पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा के गुजर जाने के बाद भी जब ट्रॉमा का इफेक्ट व्यक्ति के ऊपर रहता है तो इसे पीटीएसडी कहते हैं। पीटीएसडी में व्यक्ति का जो है, जब स्वप्न होता है तो स्वप्न में भी उसे उसी दुर्घटनाओं का आता है, वो दुर्घटनाएं आती हैं, जगे हालत में भी उसे लगता है कि सब कुछ हो रहा है उन्हीं के बगल में, वो बहुत काफी डर जाते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन के कार्य प्रभावित होते हैं, उनकी नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, और वो काफी परेशान रहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर में चिंता का दौरा आता है आदमी को, जिस और ये दौरा का जो लक्षण होता है वो काफी हार्ट अटैक के लक्षण से मिलता जुलता होता है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, और लगना कि अब मर जाएंगे, मरने का एहसास होना, और घबराहट, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये तभी होता है जब वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जिस व्यक्ति में पैनिक अटैक होता है, ये भी स्ट्रेस से जनरेटेड बीमारी है। फोबिया, फोबिया के बारे में तो हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। फोबिया एक अतार्किक डर है, ऐसा डर जिसका कि कोई आधार नहीं है, किसी ऐसी चीज से डरना जो कि डरावनी है ही नहीं, जैसे आग से डरना, या खुले जगह से डरना, छिपकली से डरना, मकड़ी से डरना, या घोड़े से डरना, सक्रिय जगह में जाने से डरना, ये सब डर जो है फोबिया कहलाते हैं। इस डर के कारण व्यक्ति बहुत सारा काम नहीं कर पाता है,
सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के थॉट्स प्रभावित होते हैं, विचार प्रभावित होते हैं, यह एक थॉट डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति को फॉल्स बिलीफ आ जाता है, कुछ झूठा विश्वास आ जाता है, ऐसा विश्वास जिसे हम नहीं तोड़ सकते हैं, जिनमें उनका विश्वास बहुत पक्का होता है, अडिग होता है। जैसे कोई मुझे मार रहा है, यह विश्वास आ गया, डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन, कि मेरे परिवार वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो हमें मारना चाहते हैं, या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई मुझे मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं यह नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कोई करवा रहा है। और हेलुसिनेशंस आते हैं, जैसा कि किरण मैम बताई, हेलुसिनेशंस वो होता है जब ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में हमें, स्टिमुलस के एब्सेंस में जब हमें स्टिमुलस का ज्ञान होता है तो यह हेलुसिनेशन कहलाता है। बिना किसी आवाज के जब आवाज सुनाई देती है तो यह हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और ऐसा महसूस होना कि हमारे शरीर पर कुछ चल रहा है या कोई स्पर्श कर रहा है, यह टक्टाइल हेलुसिनेशन है। तो सिजोफ्रेनिया में डिलूजन होते हैं, हेलुसिनेशन होता है, और उनमें इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है। अफेक्ट अगर हम लोग खुशी के सिचुएशन में है तो हम लोग खुश होते हैं, और गम के सिचुएशन में है तो हम गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो हैं, जिनका रियलिटी कॉन्टेक्ट गड़बड़ हो जाता है, वास्तविकता के साथ संपर्क टूटा हुआ होता है उनका, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि किस सिचुएशन में हंसना चाहिए, किस सिचुएशन में रोना चाहिए। वो हंसने वाली भी जगह पे रोने लगते हैं या रोने वाली जगह पे हंसने लगते हैं। इन सब प्रॉब्लम के कारण वो अपने दिनचर्या जो है, नहाना धोना, खाना पीना, ये सब अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, और उनको इंसाइट भी नहीं होता है, सूझ नहीं होता है कि वो बीमारी से पीड़ित हैं। वो ये सारी चीजें जो उनके साथ हो रही है, ये एक बीमारी का लक्षण होता है, बीमारी का लक्षण है, इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं होता। स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर में यह नींद की परेशानी है। इसमें भी इसमें एक है इंसोमनिया। इंसोमनिया में व्यक्ति को कम नींद आती है, और हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया में व्यक्ति की नींद बढ़ जाती है। और एक तो है सोमनाम्बुलिज्म, ये आप लोग सभी जानते होंगे, यहाँ तक कि मूवीज में भी देखे होंगे कि एक पात्र जो है वो नींद में चलता है। नींद में चलने की बीमारी को सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं, और मरीज को याद नहीं रहता है कि वो नींद में चला भी था, और जो काम करता है चलते हुए, या कुछ काम किया, किचन गया, किचन से निकाल के कुछ सामान फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, वो उसको याद नहीं रहता। जो भी इवेंट वो सोमनाम्बुलिज्म वाले स्टेट में करता है, मतलब नींद से जग के जो चल करके काम करता है, वो सारी चीजें वो भूल जाता है। ये तो हम लोगों ने वैसे बीमारियों के बारे में जाना अभी, जो कि बड़े, बूढ़े, वयस्क, महिलाएं, बच्चे सभी को होती है। अब हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानेंगे जिनका ऑनसेट जो है चाइल्डहुड में होता है, बचपन में होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में एडीएचडी कहते हैं। एडीएचडी के बच्चे जो होते हैं, उनमें एकाग्रता, ध्यान को एकाग्रित करने में दिक्कत होता है, कमी आती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, वो अति क्रियाशील रहते हैं, और वो कहीं ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इस वजह से, ध्यान नहीं लगा पाने की वजह से, वो पढ़ाई में भी काफी पीछे हो जाते हैं। उनका आईक्यू सही रहता है, बुद्धि लब्धि उनकी सही रहते हुए भी वो ध्यान नहीं लगाने के कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं और पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो जब एडीएचडी के स्टूडेंट, एडीएचडी के बच्चे के पेरेंट्स को अक्सर उनके स्कूल से यह आता है शिकायत कि आपका बच्चा जो है क्लास में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, वो दूसरे बच्चे को भी परेशान करता है, क्लास के समय में अपना सीट चेंज कर लेता है, क्योंकि वो अति क्रियाशील होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह ज्यादा देर तक शांति से नहीं बैठ सकते। अगर वो बैठे हुए भी हैं तो उनका पैर हिल रहा होगा या हाथ इधर उधर जा रहा होगा, किसी ना किसी काम को वो करते रहते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो, तो बिहेवियर प्रॉब्लम उनमें ज्यादा आ जाते हैं, दूसरे को परेशान करने लगते हैं अपने एक्टिविटी से, और इमोशनली वो इम्पल्सिव होते हैं,
वो बिना सोचे समझे ज्यादा काम करते हैं और जल्दी जल्दी काम करते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है उनमें। दूसरी बीमारी है पोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। इसमें छोटे बच्चे जो हैं वो अपने से बड़े लोगों का कहना नहीं मानते, अपने पापा मम्मी का कहना नहीं मानते, और जैसा कहा जाता है करने को उसका जस्ट उल्टा करते हैं। वो आदर नहीं करते अपने से बड़े का, और जैसा कहा जाता है उसका जस्ट उल्टा करते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं जानवरों को परेशान करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और दूसरे लोगों को भी परेशान करके उनके मजा आता है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे लक्षण डेफिएंट अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के हैं। तीसरा है सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता या केयर टेकर के साथ बहुत ज्यादा ही लगाव महसूस करते हैं और उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। ऐसे तो यह नॉर्मल है कि बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ रहना पसंद करते हैं और उनके साथ लगाव होता है, लेकिन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बच्चे में यह लगाव नॉर्मल से ज्यादा होता है। यह लगाव इतना ज्यादा होता है कि वो अपने रूम में, एक घर के अंदर अपने रूम में नहीं अकेले रह सकते हैं, वो अकेले बेड पे नहीं सो सकते हैं, वो अपने पापा मम्मी के साथ या केयर टेकर के साथ ही सोना पसंद करते हैं, उनसे 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकते हैं। अलग रहने पे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं ऐसे बच्चे, और घर से बाहर वो खेलने भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो पापा मम्मी के साथ चिपके रहना पसंद करते हैं। एक होता है बच्चों में सीखने की क्षमता की कमी होना, इसे लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर में बच्चा कुछ बच्चे जो है अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करने में उन्हें प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे को अल्फाबेट्स को लिखने में प्रॉब्लम होता है, अक्षर पहचाने में दिक्कत है, लिखना जो हैंडराइटिंग है लिखने में दिक्कत है उन्हें, और कुछ लोगों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, नंबर जो होते हैं उनका कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तारे जमीन पे, ये मूवी आप लोगों में से बहुतों ने देखी होगी। इसमें जो बच्चे को, जो मेन पात्र है इस मूवी का, एक छोटा सा बच्चा है, उसे एक प्रॉब्लम होती है जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की क्षमता में कमी होना है। उसे भी अक्षर पहचाने में बहुत दिक्कत होता है। ऑटिज्म, ऑटिज्म एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो कि छोटे बच्चे में होती है, और इसमें बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, दूसरे की बातों को नहीं समझ पाता है। कम्युनिकेशन मीन्स दूसरे की बातों को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को समझना, तो यह प्रॉब्लम होता है। उसकी स्पीच भी लिमिटेड होती है, और बच्चा जो है अपने केयर टेकर के को भी नहीं पहचान पाता, अपने पापा मम्मी या जो उनके उसको केयर करते हैं उनको भी ज्यादा, उनके साथ भी लगाव महसूस नहीं करता, जो कि एक नॉर्मल चीज है कि बच्चे को अपने पापा मम्मी के साथ लगाव होना चाहिए। कैसे, कहाँ गड़बड़ हुआ? हम मोबाइल चेंज करते हैं। और बच्चे को पता नहीं चल पाता है कि बच्चे की स्पीच जो है लिमिटेड होती है, वो जिस तरीके से उसका जो रूटीन है वो उसी तरीके से रूटीन चले तो उसके लिए ठीक है, अगर रूटीन में थोड़ी सी भी चेंजेज आती है तो बच्चे को बहुत दिक्कत होता है। और ये तो ऑटिज्म हो गया। कुछ ऑटिज्म बच्चों में कम बुद्धि भी होता है, उनकी IQ कम होती है। अब हम जानेंगे कि बुजुर्गों को कौन सी समस्याएं होती हैं। अब हम जानेंगे कि बुजुर्गों को कौन सी समस्याएं होती हैं। एक समस्या है डिमेंशिया। डिमेंशिया में व्यक्ति का स्मरण शक्ति जो है कम हो जाता है, वह भूलने लगता है, यह भूलने की बीमारी है। और भूलना अगर सीवियर स्टेज है डिमेंशिया का, तो भूलना इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स का नाम भूल जाता है, घर का एड्रेस भूल जाता है, या घर में
कमरा जो है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ लैट्रिन है, कहाँ किचन है, ये सारी चीजें भी भूल जाता है। कहाँ बेडरूम है, उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसने खाना खाया या नहीं खाया, यह भी भूल जाता है। और अगर इस बीमारी का इलाज समय रहते शुरू में ही कर दिया जाए, जब बीमारी आ रहा है तब, तो इसका इलाज होने से साइकोलॉजिकल इलाज और फार्माकोलॉजिकल इलाज दोनों व्यक्ति में अच्छा लाभ होता है और वो अपना काम अच्छी तरह से कर भी पाते हैं। लेकिन अगर इलाज ना कराया जाए तो यह डिटेरियरेट करते जाता है और इतना ज्यादा डिटेरियरेट कर जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि आज कौन सा दिन है और अगल बगल में कौन लोग हैं। अब हम कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में जानेंगे जो कि महिलाओं में होती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, महिलाएं जो पीरियड होती हैं उनमें 7 डेज पहले से ही कुछ मानसिक प्रॉब्लम आने लगते हैं। 7 डेज पहले मानसिक परेशानियां आती हैं, जैसे कहीं ध्यान एकाग्रचित करने में दिक्कत होना, ध्यान लगाने में कमी आना और चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, गुस्सा ज्यादा आने लगता है, मन मिजाज उदास रहने लगता है, नींद कम हो जाती है। ये सारे जो हैं लक्षण हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के। दूसरा, ये तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ जो कि महिलाओं में आता है मासिक धर्म होने के 7 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि हर एक महिलाओं को हर एक ही सीवियरिटी लेवल का आएगा और सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे, तो कुछ लोगों में ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होता है तो वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है, और किस में मैनेजेबल रहता है तो लोगों का ध्यान नहीं जाता है। पोस्टपार्टम साइकोसिस, जब कोई महिला माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके तुरंत बाद भी ऐसा देखा गया है कि कुछ मानसिक समस्याएं उन्हें होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं। वो जो है एक डिप्रेशन का रूप लेके हो सकता है, जिसमें कि मन मिजाज उदास हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, लाइफ बेकार लग रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, या मैनिया का रूप ले सकता है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, दूसरे से मिलने की इच्छा ज़्यादा हो रही है, बातचीत बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही काम करने का मन कर रहा है, या साइकोटिक हो सकता है जिसमें कि मूड नहीं आता है। और ट्रीटमेंट से फिर इसका इलाज हो जाता है। ये तो अभी हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जो अभी हमें परेशान कर रही है, और अभी हम सभी जानते हैं कि हम लोग कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित है, कोरोना महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है, और ये महामारी ने अपने आप में हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित किया है। वो ऐसे कि सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते करते हम लोग अपने आप अपने लोगों से भी बहुत दूर हो गए हैं। चाहे हम कितना ही वीडियो कॉलिंग पे टाइम देते हो या मोबाइल से बात कर लेते हो अपने फैमिली मेंबर से, फिर भी हमारे अंदर है जिस तरीके से हम पहले रह रहे थे, अपने फैमिली मेंबर के साथ मिल रहे थे, बाहर भी जा रहे थे, ऑफिस के भी काम कर रहे थे, घर में आके बच्चों के साथ खेल रहे थे, अब वो चीज़ नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों ने जो कि वर्किंग हैं वो अपने आप को अलग कर लिए हैं, फैमिली से दूर कर लिए हैं, बच्चों से दूर कर लिए, क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता है, बाहर में वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, काम एक दिन का नहीं है कि जिसे छोड़ा जा सकता है। तो जो हाईली वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे हमारे हमारे दादा दादी या
मम्मी पापा अगर बुजुर्ग हैं तो वो बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे लोग, और ये लोग हाईली वल्नरेबल हैं जो कि हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो इन लोगों को की सेफ्टी के लिए बेटर है कि हम अपने आप को अलग कर ले। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जो घर के हेड हैं, जो वर्किंग है, वो बाहर गए काम करने के लिए, और काम में करने के बाद फिर जाते जाते एक दिन उनको कोरोना हो गया, पता नहीं चला, सिम्टम नहीं आया, और घर में जब उनकी तबीयत खराब हुई अचानक, तो फैमिली मेंबर जब वो टेस्ट करवाए तो पता चला इनको कोरोना है, और उसके साथ ही छोटे बच्चे को भी हो गया, उनके उनकी वाइफ को भी हो गया, घर के अन्य लोगों भी इन्फेक्टेड हो गए। तो अब जब बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, वर्किंग क्लास ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो वो अब कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो अब वो भी तो सफर कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस जो है, एंजाइटी, स्ट्रेस अभी तो एक पार्ट बन गया है हम लोगों के लाइफ का, तो इन लोग इससे, स्ट्रेस से, एंजाइटी से भी हम लोगों को निकलना है। उसके लिए किरण मैम ने बताया है कि हम लोग घर रहते हुए कैसे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, और हम किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को अपना सही करके रख सकते हैं। और कुछ लोग जिन्हें कोरोना हो जाता है तो वो भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, तो उस समय उनमें आइसोलेशन बहुत ज्यादा, आइसोलेशन अकेलापन की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है। और हम लोगों ने तो न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग जैसे ही बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जैसे उन्हें पता चलता है कि वो पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो वो बहुत सारे लोगों ने अपने आप सुसाइड किया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना का हमारे मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। हम लोग बाहर मार्केट से बाहर निकलते हैं तो भी हमारे दिमाग में यही हावी रहता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। अब मैं अपने बातों को विराम देती हूँ, अब मैं गायत्री राज को बुलाती हूँ। गायत्री, थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अभी आप क्वेश्चन आंसर का सेशन का टाइम हो गया है। हेलो, एम आई ऑडिबल अर्चना मैम? यस। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम है, और जिस स्टूडेंट को भी कोई परेशानी हो कहीं पे, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, स्टूडेंट अपना माइक कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, उसमें भी टाइप कर सकते हैं जिनको कैमरा ऑन करना है। हेलो, हाँ एक क्वेश्चन आया है मोबाइल एडिक्शन में, मोबाइल एडिक्शन के बारे में एक क्वेश्चन है। ठीक है, Who will answer? Didi? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मोबाइल एडिक्शन जो है अभी कुछ ज्यादा ही हो गया है। कोरोना के समय में हम लोग अपने परिचितों से मिलने के लिए, अपने अननोन टू से मिलने के लिए जिसका सहारा लेते हैं वो है मोबाइल। और हम लोग बहुत सारा काम, अभी तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो बहुत सारा काम भी मोबाइल पे करते हैं। तो जब हम काम कर रहे हैं एक पर्पस के साथ, तो ये एडिक्शन में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम काम नहीं करके कुछ इंटरटेनमेंट के लिए या गेम खेलने में कर रहे हैं, तो ये एडिक्शन के रूप में आएगा। जहाँ की अगर मोबाइल को हटा दिया जाता है तो हमें अनइजीनेस होने लगता है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो एडिक्शन नहीं कहलाएगा। हम मूवी देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यह एडिक्शन नहीं है। हम ऑफिस के काम के लिए कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल चाहे हम 24, हम कितने भी ज्यादा देर करें, 8 घंटा 10 घंटा, तो यह एडिक्शन में नहीं आएगा। तो हमारा लक्ष्य बताता है यह कब एडिक्शन है और कब ये नॉर्मल एक्टिविटीज है। अभी तो लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, तो बहुत सारे काम हमारे जो है इंटरनेट से,
और मोबाइल के थ्रू ही होते, तो वो सब काम के लिए हम एक पर्पस के साथ काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है गेम एडिक्शन की, तो उसके लिए पूरे परिवार को सामने में आना होगा। जिनको एडिक्शन है वो भी अपना टाइम धीरे धीरे कम करेंगे, और तो इससे क्या होगा कि पर्पसफुल काम में अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और इसके साथ ही आप मोबाइल के अलावा अगर टाइम पास करने के लिए आप मोबाइल में गेम देखते हैं, तो ऑनलाइन गेम्स को छोड़ करके आप ऑफलाइन गेम्स जो होते हैं, ऑफलाइन मीन्स कि आउटडोर गेम्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो इससे आपको मोबाइल एडिक्शन से दूर होने में या खत्म करने में सहूलियत होगी। और अगर ऑफिस के काम के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो एडिक्शन नहीं है। आप किसी चीज को सीखने के लिए करते हैं तो वो एडिक्शन नहीं है। हाँ, अगर वीडियो गेम देखने के लिए कर रहे हैं तो वो एडिक्शन है। मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? और कोई स्टूडेंट अपने माइक को ऑन करके क्वेश्चन पूछें? स्टूडेंट और कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? स्टूडेंट्स अपना हेजिटेशन खत्म करें और क्वेश्चन पूछें। कुछ क्वेश्चन आया है मैम? हाँ बोलिए। मेनिया में क्या डिप्रेशन होता है? ये सही क्वेश्चन है। अगर हम मेनिया वाले पेशेंट का साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि उनका मेनिया का भी स्केल हाई जा रहा है और डिप्रेशन का भी स्केल हाई जा रहा है। दोनों चीज होता है। तो मेनिया जो डिप्रेशन होने का कारण होता है, वही कारण मेनिया होने का भी होता है बहुत सारा। तो देखा गया है कि मेनिया में भी डिप्रेशन होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके कारण जो है वो डिप्रेशन जो है, डिप्रेसिव थॉट जो है, वो जिस रिएक्शन फॉर्मेशन के कारण ही मैनिफेस्टेशन मेनिया के जैसा होता है, जिसमें व्यक्ति का मन मिजाज उदास होने की बजाय खुश रहता है। How to control anxiety एक question है, देखो। कनक आनंद ने पूछा है कि हम एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें, और क्या था, और नेगेटिव थॉट्स को बिना मेडिसिन हम कैसे कंट्रोल करें। देखिए नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, थॉट्स आने का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो जब एक थॉट आता है तो हमारे पास उसके साथ ही हम उसका अल्टरनेट थॉट भी देख सकते हैं। जैसे आपका थॉट आया कि मुझे, मैं बाहर गया हूँ तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, ये निगेटिव थॉट है आपके दिमाग में आ रहा है। तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि इसके अलावा और क्या होगा, क्या मैंने सारे मेजर्स लिए बाहर जाने के लिए? तो पता चला आपने मास्क लगा के रखा था और आप दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए, आप बाहर तो निकले थे लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं गए, तो इसका अर्थ है कि आपको होने का चांसेस कम है। तो इसके बाद जब आप प्रूफ देते हैं, जब आप बताते हैं उस थॉट के बारे में कि क्या इस निगेटिव थॉट के पीछे कितनी हकीकत है, तो आपको वो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। और जब थॉट्स आता है, जब कुछ ज्यादा ही आ जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका डे टू डे एक्टिविटीज प्रभावित हो रहा है, जैसे ऑब्सेशन में होता है कि एक थॉट नहीं, निगेटिव थॉट आ रहे हैं तो ऑब्सेशन नहीं है, हो सकता है, तो बहुत ज्यादा होने लगता है, उस समय आपको जो है
एक काउंसलर से मिलने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत तो सभी के दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन आपका जब ज्यादा हो रहा है तो आप काउंसलर से मिलिए, थेरापिस्ट से मिलिए, जो कि एक दो दिन में नहीं वो होगा, उसके पीछे का कारण पता चलेगा, टेस्टिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कारण है जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अभी निगेटिव थॉट्स क्या चीज के आ रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट के दिमाग में, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एग्जाम होगा कैसे होगा, ये सब कुछ थॉट्स आ रहे हैं। आप अपना थॉट्स बताएं ना कुणाल, कनक आनंद, आप अपना थॉट्स बताएं। एक क्वेश्चन आया है कि ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पाएं, तो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है तो ज्यादातर समय में देखा गया है कि हम ज्यादा खाना कब खाते हैं, और हम जो खाना खाते हैं वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स खाते हैं, क्या हम ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, हम ज्यादा तली भुनी हुई चीजें खा रहे हैं, ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, और क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। इसके लिए पहले चार्ट बनाना होगा कि हम कब खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितने क्वांटिटी में खा रहे हैं। बहुत सारे समय हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है ओवर ईटिंग तभी करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जब वो मूवी देख रहा हो या टीवी देख रहा हो, टीवी देखते के समय में खाना, ये पता भी नहीं चल पाता है कि हमने कितना खाया, कितना कम खाया, कितना अधिक खाया। तो और खाली समय में खाना, कुछ काम नहीं मिला तो हम दो चॉकलेट खा लिए, चार चॉकलेट खा लिए, या खाना खा लेते हैं। तो वैसे में अपने आप को इंगेज आप ज्यादा से ज्यादा रखें, ताकि आपके दिमाग में खाने का विचार उतना ज्यादा नहीं आए, एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व ज्यादा हों, क्रेविंग आएगी क्योंकि आप बहुत दिनों से खाते हुए आ रहे हैं, आप उसी तरीके से अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करके आ रहे हैं, तो अपने आप को आप दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखें। और खाना खाने का विचार आए तो वैसे चीजें खाएं जिसमें कि कम फैट हो, और एक्सरसाइज करें ताकि फैट गेन कम करें, हम कम कर सकें और इसका एडवर्स इफेक्ट ना आए। और कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चैटिंग बॉक्स में डालें, और नहीं तो माइक ऑफ करके पूछें, नहीं तो अब हमारे प्लीज एक्सप्लेन अबाउट हाइड्रोफोबिया। ओके, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया पानी से डर है, बहुत सारे लोगों को पानी में जाने से डर हो जाता है, तो वो जो है तालाब में पानी में जाने से डर लगेगा, या उनको पानी देख करके ही डर लगेगा। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और है पूजा साहब का, एक क्वेश्चन और है। अच्छा, मानसिक तनाव के से कैसे बचा जा सकता है? मानसिक तनाव से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करें और अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखें, में तो प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करें, खेल कूद करें, और ज्यादा देर तक अगर यह तनाव आपका मानसिक तनाव टीवी पे चल रहे कोरोना के कारण है तो टीवी ज्यादा ना देखें, और अगर आपका यह तनाव पढ़ाई के कारण है तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने से या पढ़ाई को अच्छी तरह से करने से आपका ये मानसिक तनाव कम हो सकता है। और इसके बाद भी अगर परसिस्ट कर रहा है तो आप डॉक्टर्स की हेल्प लें, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। अब हम अपने कलीग्स से चाहते हैं कि अगर उनको कोई क्वेरीज हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेधावी मैम और शुभांगी मैम है, हिंदी वाली मैम सरिता मैम है, अनुप झा है, सभी लोग हैं, तो
किन्हीं को अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज यू आर वेलकम. एनीवन? सरिता मैम. नोवन हमारे सीनियर टीचर. हमारे सीनियर टीचर अगर हैं और उनको कोई क्वेरीज है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नो क्वेश्चन. नो क्वेश्चन. और कोई स्टूडेंट्स? गायत्री? जल्दी करो ना. एक क्वेश्चन आया है अभी. मानसिक बीमारी का इलाज कब तक होता है, कितने दिनों तक होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम को लेके तो डॉक्टर आपको दवा देते हैं. दवा दो कारण से देते हैं. मानसिक बीमारी के डॉक्टर दो कारण से देते हैं. पहला तो जो सिम्टम राइट नाउ आप फेस कर रहे हैं उसको कम करना है, और वो और दूसरा कारण है वो सिम्टम दोबारा ना आए इसके लिए दवा देते हैं. तो अभी अभी जो आप पहली बार आपने दवा लिया, आपको हेलुसिनेशन ज्यादा आ रहे थे, डिलूजन थे, तो ये सारी चीजें ज्यादा हो रही थी. नींद नहीं आ रही थी, भूख कम था और एनर्जी नहीं आ रहा था, तो दवा से आपका ये सब ठीक हो गया. अब उसके बाद भी आपको डॉक्टर कंटिन्यू करने के लिए वही दवा कहते हैं. क्यों? ताकि दोबारा वो बीमारी आपकी जो है लौट के ना आए. तो थोड़ी लंबी चलती है, और ऐसा नहीं है कि मानसिक रूप से हम बीमार हैं तो हम मानसिक रूप से हम मेंटली इल हैं हमेशा. एक मेंटली इल व्यक्ति भी मेंटली हेल्दी हो सकता है. वो ऐसे कि मेंटल हेल्थ जो है एब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है, मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति में मानसिक स्वास्थ्य नहीं है. आप मानसिक रूप से बीमार होकर भी अपने प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को जान सकते हैं, अपनी क्षमताओं को जान सकते हैं, और आप सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में. आपको जो काम कर आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों को मदद कर सकते हैं. आप मानसिक रूप से बीमार हैं इसके लिए आप दवा ले रहे हैं, और दवा से आपकी सारी फंक्शनिंग जो है ठीक है. तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, और दवाएं थोड़ी लंबी चलती हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग जो है खाना पीना भी जब तक जिंदा रहते हैं तब तक करते हैं. तो अगर हम दवा कुछ ज्यादा लंबा समय पर तक खाते हैं और स्वस्थ रहें तो इसमें क्या खराबी है? कुछ खराबी तो नहीं है. दवा रहते हुए भी हम दवा लेते हुए हम प्रोडक्टिव रह सके, अपना सारा काम कर सके, अपना केयर करें, दूसरे का केयर करें. और ऐसा भी नहीं है कि हमारी पढ़ाई डूब जाएगी. मानसिक बीमारी हो गया तो हमारी पढ़ाई डूब गई, हमारा लाइफ
द एंड हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दवाएं लंबी चलती हैं और कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट भी दवाई के आते हैं, दवा का साइड इफेक्ट भी मरीज जो है एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उस दवा का साइड इफेक्ट का भी कुछ दवा होता है जिसके से वो साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आया है, मानसिक बीमारी की दवा लेने के कोई साइड इफेक्ट को नहीं ना है, कहीं इंसान पागल तो नहीं हो सकता है? मानसिक बीमारी का जो दवा होता है उसका साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट तो हर एक दवा का होता है। आप पारासीटामोल लेते हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है, आप हेडेक की कोई भी दवा खाते हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है। बस अंतर यही है कि सभी लोग खा रहे हैं, आप भी खा लेते हैं बिना जाने हुए कि क्या इसका साइड इफेक्ट है या नहीं है। वैसे ही मानसिक बीमारियां हैं उनका भी साइड इफेक्ट है, लेकिन जब हमारे सामने इफेक्ट है और साइड इफेक्ट है तो हम इफेक्ट को देखेंगे या साइड इफेक्ट को देखेंगे? साइड इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए भी दवाएं हैं, लेकिन जब हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इफेक्ट हमें 80% इफेक्ट नजर आ रहा है दवा खाने से और 10% हमें साइड इफेक्ट नजर आ रहा है, तो हम इफेक्ट देखेंगे या साइड इफेक्ट देखेंगे? हम तो यही देखेंगे सबसे पहले कि हमें फायदा है या नहीं, क्या दवा खाते हुए हम अपनी काम कर पा रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। साइड इफेक्ट रहते हुए भी हम अपनी काम कर रहे हैं, साइड इफेक्ट में पसीना आना, लाट पकना और मोटापा हो जाना, जो कि है क्या एडिक्शन? मैम आप म्यूट हो गई। हाँ एक क्वेश्चन आया है कि शराब पीने से किस तरह की मानसिक बीमारी हो सकती है या और इसका इलाज संभव है या नहीं। तो देखा गया है कि शराब कोई भी मादक द्रव्य का अगर हम अत्यधिक सेवन करते हैं और ज्यादा लंबे समय तक सेवन करते हैं तो उससे मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो एलएसडी हो, हेरोइन हो, गांजा हो, भांग हो या शराब हो, तो ये मानसिक बीमारियां लाती हैं। मानसिक बीमारियां में जो है मोस्टली डिप्रेशन आता है अल्कोहल लेने से, और किसी किसी में जो बाइपोलर होते हैं उनमें मैनिया भी आ सकता है, और इसका इलाज भी संभव है। डिलीरियम भी होता है अल्कोहल लेने से, और इसका इलाज भी संभव है, जिसमें कि सबसे पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है और पेशेंट का एडिक्शन को छुड़ाया जाता है और दवाएं दी जाती हैं। दो क्वेश्चन और है मैम चैट बॉक्स में अभी आया है। क्वेश्चन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है। हाँ कुछ है, एक क्वेश्चन है। हाँ नींद नहीं आने के क्या करना चाहिए, ये नेहा कुमारी है, इन्होंने लिखा है कि नींद नहीं आने पे क्या करना चाहिए। तो नींद की अगर बीमारी है तो सबसे पहले क्या बीमारी है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया है, तो स्लीप हाइजीन होता है जिसमें कि बताया जाता है कि व्यक्ति क्या करे जिससे नींद आए। तो स्लीप हाइजीन का पहला स्टेप है जब आप सोने जाते हैं तो हाथ पैर को धो करके जाएं, और जिस बेड का इस्तेमाल करते हैं उसे सिर्फ आप सोने के समय में ही इस्तेमाल करें, दिन भर में आप कभी बेड पर ना जाएं। जैसे दिन भर हम लोग पढ़ाई करते हैं या बैठने आराम करने के लिए बेड पर चले गए तो वो काम ना करें, जिन्हें नींद ना आती हो उनके लिए है कि बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए आप करें, और कोशिश करें कि आराम करने में बेड का इस्तेमाल ना करें, और बैठें तो कुर्सी पे बैठें ताकि हमारा शरीर में थोड़ा सा थकावट हो और
आप रात के समय में, सोने के समय में मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, और सोने से मिल्क सोने से पहले आप चाय का या किसी कॉफी का कैफीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैफीन, या सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट ना पिए, क्योंकि कैफीन जो है स्टिमुलेंट है और ये आपका नींद को हटा देगा, डिले कर देता है। जो चाय पीते हैं उनका नींद ऐसे ही डिले हो जाता है। और दिन भर आप अपने आप को एक्टिव रखें, आराम ना करें। और जब रात में आप बेड पे जाते हैं नींद ना आती हो, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बेड पे ही रहेंगे जब तक नींद नहीं आएगी। नहीं आती है तो आप उसी समय बेड पर से हट जाइए, इंतजार नहीं कीजिए, और हट करके प्रोडक्टिव काम में, कुछ काम में अपने आप को लगाइए। और टीवी नहीं देखना है उस समय, नींद नहीं आती है तो हम उस काम, इस समय को टीवी देखने में इस्तेमाल कर ले तो ये भी ना करें, क्योंकि टीवी देखते देखते फिर आपका नींद जो है उचट जाता है, समय पार हो जाता है। तो टीवी ना देखें उस समय, आप बेड पर से लेकिन हट जाएं और चेयर पे बैठ जाएं। नींद ना आने पर बेड पर से हट जाएं, चेयर पर बैठ जाएं। और कभी कभी देखा गया है कि हम लोग सोते समय जो है बहुत ज्यादा ही रूमिनेशन करते हैं, अपने दिमाग में बहुत सारे विचारों को लाते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं। तो सोते समय कोशिश करें कि आपका मूड जो है पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाइए, चिंता फिक्र वाली बातें को दिमाग में नहीं लाइए, और टेंशन के स्टेट में ना सोने जाएं। थैंक यू मैम। शायद और कोई क्वेश्चन, और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके, और या फिर चैट बॉक्स में, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं मैसेज, कोई भी। अब हम लोग धन्यवाद ज्ञापन कर देते हैं, प्रोग्राम का समय अब समाप्त होने वाला है। हाँ, ना कुछ चंद मिनट ही बचे हैं। हाँ, तो अब हम लोग प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो गया है, और कार्यक्रम में जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत नींद आने लगती है। हाँ, दिन हो या रात हो, जब भी हम सोचते हैं कि पढ़ाई कर ले 2 घंटा, तो बैठते हैं किताब देखते हैं 10 मिनट, बहुत कस के नींद आने लगता है। जी मैम, तो क्या करें? नींद आपको ज्यादा आती है, आप रात में कितना सोते हैं पहले ये बता दीजिए। रात में हम 12 बजे को सोते हैं। 12 बजे सोते हैं, जगते हैं कब? 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे जग जाते हैं जी। अच्छा, तो कितने घंटे सोए? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे फिर होल डे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, होल डे पढ़ाई ही करते हैं जी। आप दौड़ते हैं, वो थकान बहुत ज्यादा हो जाता है, थकान ज्यादा हो जाता है जी। सुबह सुबह 4 बजे जाते हैं, तो अब गांधी मैदान में ट्रेनिंग लेते हैं दौड़ी सबका, तो बहुत थकान हो जाता है। फिर आते हैं तो बहुत काम हो जाता है, रूम पे खाना पीना बनाना, पढ़ना लिखना, बहुत आलसी हो जाते हैं, बहुत सो जाते हैं। अभी सो के उठे हैं सुबह से, अभी देखे कि ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन किए हैं। टोटल आप कितने देर सोते हैं ये बता दीजिए। मतलब कि हम खाना उना बना के, मैम जो दौड़ के आए, खाना बना के खाए, तो सो के अभी उठे हैं। तो हमको तो लग रहा है आप सवेरे 4 बजे उठते हैं, कितने देर दौड़ते हैं? 1-2 घंटा तक, 1-2 घंटा, 6-7.5 जी। तो आपका शरीर तो थक जाएगा, कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति अगर उतना देर तक दौड़ेगा तो उसके बाद उसको रेस्ट की जरूरत होगी जी। तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। हाँ, आप उस समय चाहेंगे कि आप शरीर का इस्तेमाल, आप पहले आते हैं घर, उसके बाद आपको खाना भी देखना है जी, तो उतना करते करते 2 घंटे और लग जाते होंगे। 11 बजे हैं, खाना उना खाए में 11 बजे है, उसके बाद खाते हैं, बेड पर लेटते हैं, वहीं नींद आ जाता है। सोचते हैं कि नींद आएगी, नॉर्मल है। तो मैडम क्या करना पड़ेगा उसके बाद, जगने के बाद फिर क्या होता है ये बताइए। फिर शाम हो जाता है, 1-2 घंटा बुक देखते हैं, फिर शाम में मार्केट चले जाते हैं कुछ कुछ लाने, सब्जी वब्जी, उसके बाद खाना पीना बनाते हैं, फिर सोचते हैं पढ़ाई करें, फिर नींद आ जाता है।
रात में कितना बजे से आपको नींद आने लगता है? कल 9:30 मैंने खाना बनाया, खाए, सोचे कि पढ़े, सो गए 10:30 तक। दिन का नींद तो आपका नॉर्मल है जो कि आता है आपको 11 बजे 12 बजे जो कहते हैं जी। आप दौड़ के आते हैं, उसके बाद आप घर में काम करते हैं और उसके बाद खाना करते करते 12-11 हो जाता है, उसके बाद वाला खाना आपका नॉर्मल है। खाना खाने के बाद क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा आलस्यपन महसूस होता है, थोड़ा सा आराम की जरूरत होती है, तो वो आपका नॉर्मल है। लेकिन आप जगने के बाद भी आप कहते हैं उसके बाद भी किताब लेते हैं तो आपको नींद आ जाती है, किताब नहीं लेते तो नहीं आती है? नहीं तो रूम में बैठ के क्या करेंगे, किताब ही नहीं उठाएंगे, सिंगल रूम है अपना, अकेले बैठे रहते तो अपन किताब उताब देखते हैं, देखते देखते सो जाते हैं। और आप एक तरफ बता रहे थे कि आप 12 बजे सोते हैं, नींद आते आते आपको 9 बजे से नींद आना स्टार्ट हो जाती है जी। 3 दिन से ज्यादा दौड़ रहे हैं तो बनाते खाते हैं सो जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हेक्टिक शेड्यूल है आपका। पढ़ाई के लिए सबसे पहले हमारा मन मिजाज जो है शांत रहना चाहिए, शरीर में थकावट ना रहे, तभी पढ़ाई हो पाती है। और पढ़ाई को ना आप टेंशन के जैसे ना लें, जब आपका शरीर ताजा रहेगा तभी पढ़ाई हो पाती है, जब आप सो के उठते हैं तभी कोशिश कीजिए उसी समय पढ़ाई करने के लिए। और 1-2 घंटा के बाद फिर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे तो ये नॉर्मल लग रहा है, बिना पढ़े नींद नहीं आती आपको, पढ़ने से ही नींद आती है जी। आप पढ़ाई को जो है निगेटिवली ले रहे हैं, पढ़ाई जो है आपके हेल्प के लिए है तो पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाइए। पढ़ाई पहले कीजिए, उसके बाद वॉकिंग करके आइए, उसके बाद खाना पीना खा के सो जाइए, फिर फ्रेश होके फिर पढ़ाई करिए, नींद नहीं आएगी। तो मैम 4 बजे हम लोग जाते हैं फील्ड में ना, तब 2 बजे पढ़े हैं। नहीं तब आप अपना टाइम चेंज करिए उसको, फिर या तो सो के जब उठते हैं आप ना, खाना खा के जब सो जाते हैं, सो के उठते हैं तब पढ़ाई करिए, तब नींद तो नहीं आएगी ना, नींद पूरा हो जाएगा तो नींद कैसे आएगी, आना ही नहीं है। बोल बोल के पढ़े, लिख करके पढ़ें, जो आप पढ़ते हैं उसको लिख लिख करके पढ़ें, याद करें, नींद नहीं आएगी। एक्टिव होके पढ़ना होगा, पैसिव होके पढ़ेंगे तो नींद आएगी, ठीक है? कि बेड में लेट गए हैं और किताब ऐसे पकड़ के पढ़ रहे हैं, पैसिव पढ़ाई हो रही है तो नींद आएगी। लेकिन अगर आप एक्टिव होके बोल बोल के पढ़ेंगे या लिख करके पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है? जी मैम, ठीक है, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। और अब हम लोग प्रोग्राम के, किरण मैम, किरण मैम एक क्वेश्चन और है कि आज का हम लोग मास्क का एक क्वेश्चन ले लीजिए। हम लोग मास्क का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम लोग पहनते हैं, उसके बाद केयरलेस होके फेंक देते हैं और नतीजा क्या होता है, दूसरे लोग जो कि गरीब हैं वो लोग, कुछ लोग कलेक्ट करते हैं और उसको रीसेल कर देते हैं दूसरे लोगों को। तो इस सॉल्यूशन से हम लोग, इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकले, तो एक बहुत ही आसान तरीका है, आप जब मास्क फेंकती हैं उस समय 2 टुकड़ा कर दीजिए ना, उसका रीयूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत जगह हम लोग मैसेज पढ़ते हैं कि मास्क को रीसेल किया जा रहा है, जो लोग मास्क फेंक देते हैं वो कलेक्ट होता है। अगर ऐसा होता है तो आप मास्क को फेंकने से पहले सीजर से 2 टुकड़ा कर दीजिए। हाँ किरण मैम, हो गया, ठीक है, थैंक यू अर्चना मैम। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। कार्यक्रम में आने के लिए सभी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को धन्यवाद देती हूँ। सर जो हैं, जब हम सर के पास इस कार्यक्रम के को लेकर गए कि हम लोग ये कार्यक्रम मनाना चाहते हैं, तो सर बहुत खुश हुए और तुरंत परमिशन दे दिए और हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए सर ने काफ़ी सपोर्ट दिया, हेल्प किया, कोऑपरेट किया। जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ी, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कुछ परेशानी आ रही थी, सर को हम लोगों ने फोन पे कांटेक्ट किया, सर फोन पे अवेलेबल थे, तो सर काफ़ी कोऑपरेट किए हम लोगों को, इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने सभी वरिष्ठ शिक्षक सहकर्मी को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे कार्यक्रम में आए, वो हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमें सुनते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए मैं उनकी उनको आप धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने शिक्षकेतर कर्मचारी को भी धन्यवाद देती हूँ, हमारे डिग्निटरीज और हमारे छात्र छात्राएं जो हमारे प्रोग्राम में आई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं स्पेशल थैंक देती हूँ हमारी जो स्टूडेंट हैं पूजा को, जो हमारे साथ हम लोगों को प्रोग्राम में हेल्प की काफ़ी,
और मैं धन्यवाद देती हूँ राजेश जी को, जिन्होंने हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट को देखा, हमारे कार्यक्रम के टेक्निकल एस्पेक्ट को देखा. और इसके साथ ही मैं विद द परमिशन ऑफ चेयर आई वुड लाइक टू एंड द प्रोग्राम. तो मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देती हूँ और ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ. धन्यवाद राजेश जी. जी मैम. हाँ आप खत्म कर दीजिए. ठीक ठीक थैंक यू. आप लोग एग्जिट कर जाए. सारे लोग एग्जिट कर जाए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्जिट हो जाए प्रोग्राम से. ठीक थैंक यू. थैंक यू मैम. सारे पार्टिसिपेंट्स एग्जिट हो जाएं.